सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल माय सुपर बाइट्स को, जो कि एक मल्टी फैसेटेड चैनल है। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट बाइट्स, जैसे कि स्टडी बाइट्स, हॉरर बाइट्स, हेल्थ बाइट्स, टेक बाइट्स, फनी बाइट्स एंड पॉजिटिव बाइट्स, टीवी एंड फिल्मी बाइट्स मिलेगी। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल माय सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाषा शिक्षण में मूल्यांकन के बारे में। सबसे पहले जानते हैं मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। मूल्यांकन नाम से ही पता चल रहा है, किसी भी विषय में मूल्य आंकना, मूल्य का पता लगाना। मूल्यांकन द्वारा किसी भी व्यक्ति की, आप उसकी कमजोरी, उसमें जो भी गुण है, उसमें जो भी कमियां हैं, उनकी अच्छाई है, वो पता लगा सकते हो। इसके अलावा ये जो मूल्यांकन होती है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है ये मूल्यांकन रखती है शिक्षण में। यदि मूल्यांकन नहीं है किसी भी शिक्षण विधि में, तो कभी भी शिक्षण विधि को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन का एक अमूल्य स्थान है, क्योंकि विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को जानने में जो सहायक होता है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व, वह होता है मूल्यांकन। इसके अलावा अधिगम प्रक्रिया में लर्निंग की जो प्रोसेस होती है, उस प्रक्रिया में भी मूल्यांकन अधिक आवश्यक होता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया से कक्षा में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में हम अच्छे से कम्युनिकेशन रहता है। अध्यापक को पता रहता है हर विद्यार्थी या हर स्टूडेंट की क्या क्षमता है लेने की, उसकी सारी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के बारे में। अब जानते हैं मूल्यांकन की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ इवेल्युएशन, क्या जरूरत है। सबसे पहली, अधिगम प्रक्रिया में, लर्निंग प्रोसेस में, नए उद्देश्यों को तय करने में मूल्यांकन मदद करता है। जो भी एम्स जो भी बनाई है कि इस पाठ को पढ़ाने में, मूल्यांकन पता चल जाता है विद्यार्थियों की क्षमता, तो उसी के अनुसार जो शिक्षक हैं वो लेसन प्लान तैयार करता है विद्यार्थियों की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, कि ये विद्यार्थी जो है ये सभी क्या, जो मैं इन्हें शिक्षण प्रक्रिया द्वारा समझाने जा रहा हूँ, उनके अनुसार यह सही है या नहीं। तो सबसे पहला है जो एक शिक्षक की भूमिका होती है अधिगम लर्निंग प्रोसेस में, तो अधिगम प्रक्रिया में नए उद्देश्यों को तय करने में सबसे ज्यादा जो मदद करता है, वह मदद करता है मूल्यांकन। दूसरी बात, मूल्यांकन की प्रक्रिया द्वारा छात्रों की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। टीचर को, अध्यापक को यह पता, ज्ञान हो गया कि इन विद्यार्थियों को यहाँ पे समस्या है, यह समझ में नहीं आया है, इस विद्यार्थी की क्षमता अन्य विद्यार्थी की अपेक्षा थोड़ी कम है, ज़्यादा है, तो वह इस मूल्यांकन की प्रक्रिया द्वारा उस क्षमता को बढ़ा सकता है, उस विद्यार्थी पर ज़्यादा ध्यान दे सकता है। शिक्षण प्रक्रिया को सफल प्रभावी बनाने में सहायक मूल्यांकन ही है, क्योंकि हर विद्यार्थी की क्षमता पता चल जाती है अध्यापक को, तो उसी स्ट्रेटेजी के अनुसार वह किसको शिक्षण प्रक्रिया को बनाता है प्रभावी, किसके अनुसार, विद्यार्थियों के अनुसार ही। इसके अलावा मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जितने भी विद्यार्थी होते हैं उनकी कमजोरियों का पता चल जाता है अध्यापक को, और वह उस कमजोरियों को जानकर उनका सही मार्गदर्शन करता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की। एक अध्यापक छात्रों की शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन में सबसे ज्यादा सहायक है, वह है मूल्यांकन। अब बात करते हैं, मूल्यांकन दो प्रकार का होता है। सबसे पहला मूल्यांकन होता है निदानात्मक और दूसरा होता है उपचारात्मक। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है और कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो अच्छे से सुनना है क्या होता है निदानात्मक और क्या होता है उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण विभिन्न परीक्षणों द्वारा, केवल एक ही परीक्षण नहीं, बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, बहुत सारी एग्जाम्स होते हैं, उन परीक्षणों द्वारा विद्यालय में यह पता लगाया जाता है कि छात्रों ने कितना सीखा, उसके पश्चात असफल रहे विद्यार्थियों की असफलता के कारण का पता लगाया जाता है। जितने भी एग्जाम में
जितने भी स्कूल्स होते हैं उनमें एग्ज़ाम होते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, फाइनल एग्ज़ाम्स। ये एग्ज़ाम्स विद्यार्थियों को परेशान करने हेतु नहीं, बल्कि यह पताने लगाने के लिए यह एक तरीके का मूल्यांकन होता है। कहीं कहीं मौखिक, कहीं कहीं खेल खेल में, कहीं लिखित परीक्षाएं, ये सब मूल्यांकन की ही परीक्षाएं हैं। तो निदानात्मक परीक्षण में छात्रों ने कितना सीखा, सीख लिया, उसके पश्चात जितने भी विद्यार्थी असफल रहे उन विद्यार्थियों की असफलता का कारण पता लगाया जाता है। उस पता लगाने को, कारणों को पता लगाने को कहते हैं निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण द्वारा विद्यार्थियों द्वारा दी गई परीक्षाओं के मूल्यांकन का विशेष विश्लेषण किया जाता है। यह परीक्षण किसी विशेष विषय में हो रही कमी, कमजोरी, कठिनाई का पता लगाती है। कोई विद्यार्थी है SST सोशल साइंस में अच्छे से पढ़ रहा है, इंग्लिश अंग्रेजी में अच्छे से, हिंदी में, लेकिन मैथ्स में उसके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, तो मूल्यांकन की प्रक्रिया द्वारा यह तो पता चल गया कारण कि मैथ्स में एग्जाम इसके मार्क्स कम आ रहे हैं विद्यार्थी के, तो कारण पता लग गया, उसे बोलते हैं निदानात्मक। उसके बाद में आगे उसका जो सोल्यूशन करते हैं उसको बोलते हैं उपचारात्मक। तो ये डिफरेंस अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद में देखते हैं उपचारात्मक शिक्षण। विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली गलतियों के सुधार से संबंधित शिक्षण प्रक्रिया को अपनाना ही उपचारात्मक शिक्षण है। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं, जैसे कोई बालक किसी शब्द का सही उच्चारण नहीं कर पाता है, किसी को भाषा संबंधी समस्या है या अशुद्धियां बहुत होती है, बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास में स्पेलिंग इंग्लिश में गलत लिखते हैं, अशुद्धि होती है बहुत, किसी वर्ड का प्रोनंसिएशन गलत करते हैं, उसका उच्चारण शब्द का नहीं हो पाता है उनसे उच्चारण, भाषा संबंधी समस्या होती है, हिंदी जल्दी से याद हो जाती है, अंग्रेजी को पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, अंग्रेजी की रीडिंग करने में भी, इंग्लिश की रीडिंग में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये जब पता लग जाता है, यह तो पता लगाने का काम करता है निदानात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण में ऐसी कोई भी समस्या हो, अशुद्धियां हो, भाषा संबंधी समस्या हो, उच्चारण नहीं कर पाता है, तो बार बार अभ्यास करवाना एवं विद्यार्थी की किसी भी गलती का मजाक ना उड़ाना, बार बार उस विद्यार्थी को अभ्यास कराना, करत करत अभ्यास, वही अभ्यास करवाना जिससे वह बालक कक्षा में उस गलती को सुधार सके और बार बार वह गलती नहीं करे। तो जितनी भी गलतियां हैं उनके सुधार से संबंधित शिक्षण प्रक्रिया को अपनाना ही क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात, ये जो उपचारात्मक शिक्षण होता है यह शिक्षण सभी तरीके के विद्यार्थियों के लिए, चाहे सामान्य श्रेणी के विद्यार्थी हो, पिछड़े बालक हो या फिर मंदबुद्धि बालक हो, यह सभी श्रेणियों के बालकों हेतु होता है। इसलिए मूल्यांकन एक विद्यार्थी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, केवल विद्यार्थी के लिए नहीं बल्कि अध्यापक के लिए भी, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का कार्य मूल्यांकन ही करता है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य एक तो विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखना और समय समय पर शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की उपलब्धियों का पता लगाना एवं उनमें जरूरतमंद सुधार। शिक्षकों में ऐसे कि कोई शिक्षक अपनी विधि से पढ़ा रहा है, मूल्यांकन द्वारा उसे समझ में आ जाता है कि मेरी इस शिक्षण विधि में मुझे कुछ सुधार करने की आवश्यकता है विद्यार्थी की क्षमता के अनुसार, तो वह अपनी शिक्षण जो स्ट्रेटेजी होती है, जो भी वो उद्देश्य रूप से तैयार करते हैं अपने जितने भी लेसन प्लान, उनमें क्या करें, विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार तैयार करें, उनमें समय के अनुसार सुधार करें, तो दोनों की ही क्षमता का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा मूल्यांकन में जो निदानात्मक परीक्षण है वो हमेशा व्यक्ति केंद्रित या समूह केंद्रित। व्यक्ति केंद्रित, व्यक्ति विशेष की, विषय विशेष की कमजोरी का पता लगाना, और समूह केंद्रित, समूह विशेष में जो भी कमजोरी है विषय से संबंधित उसका पता लगाना। अब बात करते हैं मूल्यांकन की विधियां। तो मूल्यांकन की दो विधियां होती हैं, एक तो प्रमापीकृत, एक अप्रमापीकृत। इनमें अलग अलग विधियां आती हैं, जैसे प्रमापीकृत में होती है व्यक्तित्व परीक्षाएं होती हैं, निष्पत्ति परीक्षण होते हैं, अभियोग्यताएं परीक्षाएं होती है, कुछ बुद्धि परीक्षाएं होती है, कुछ रुचि की परीक्षाएं। और अप्रमापीकृत में जो होती है वो होती है जैसे प्रश्नावली विधियां होती है, प्रश्नों के माध्यम से मूल्यांकन करना, आत्मकथा, कोई भी बच्चे को स्टोरी दे दी लिखने को,
या किसी भी स्टोरी में कुछ फिलिंदा ब्लैंक्स छोड़ दिए, या किसी भी टॉपिक पर किसी भी बच्चे को कि इसके बारे में कुछ भी 5 लाइन से 10 लाइन्स लिखो, जिससे उसका क्षमता का पता लगाया जा सके, उसकी भाषा शैली में कितनी उसकी क्षमता है। समानमिति विधि, संचयी आलेख, प्रगति प्रतिवेदन, साक्षात्कार, प्रक्षेपण विधि, व्यक्ति अध्ययन, ये कुछ मूल्यांकन की विधियां हैं जो कि प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत श्रेणियों में आती हैं। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के आप अगर और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल माय सुपर बाइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।